हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर, कि उसमें ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और क्या आंसर होते हैं, हम सिर्फ वो पढ़ेंगे। जैसे कंपटीशन एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, नेट एग्जाम रहा, गेट एग्जाम रहा, किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम रहा, उनमें जो ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के आते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, फॉर देन फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी वी हैव, इसके लिए हमारे पास कौन सी कंडीशन होल्ड होगी। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन होल्ड होगी फ्रेंड्स, ए एन बराबर ई एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ये कंडीशन हमेशा होल्ड होगी। इफ एच वन एंड एच टू आर टू सब ग्रुप ऑफ जी, देन द फॉलोइंग इज द सब ग्रुप ऑफ जी, इंटरसेक्शन हमेशा सब ग्रुप होता है, तो एच वन इंटरसेक्शन एच टू हमेशा सब ग्रुप रहेगा। उसके बाद है, द सेट एम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज, ये हमारे पास फ्रेंड्स मोनोइड होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, इफ जी स्टार इज ए ग्रुप एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, बी स्टार क्रॉस ए बी इनवर्स स्टार क्रॉस ए इनवर्स स्टार बी स्टार ए बराबर ई हो, तो उस कंडीशन में ये हमारे पास आबेलियन ग्रुप होगा। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, अगर जैसे यहाँ पे हम इधर लेफ्ट हैंड में बी बी का मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद ए का मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा बी ए बराबर ए बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव आता है फ्रेंड्स, इफ जी इज एन आबेलियन जी इज ए ग्रुप सच दैट ए स्क्वायर बराबर ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देन जी इज ऑलवेज अ आबेलियन ग्रुप। ऐसा ऐसी कंडीशन होल्ड होती है कि ए स्क्वायर बराबर ई, यानी खुद ही सेल्फ इनवर्स हो, हर एलिमेंट उसका सेल्फ इनवर्स हो, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये आबेलियन ग्रुप होगा। इफ एफ बराबर टू थ्री एंड जी बराबर फोर फाइव आर टू परम्यूटेशन ऑन वन टू थ्री फोर फाइव, देन एफ जी इज सिंपली, फ्रेंड्स हम देख सकते हैं जैसे ये टू थ्री एंड फोर फाइव दोनों डिस्टिंक्ट है, तो उस कंडीशन में जो उनका मल्टीप्लाई होगा एफ जी सिंपली टू थ्री परम्यूटेशन ऑफ फोर फाइव एंड टू थ्री फोर फाइव हो जाएगा, तो वन वन टू थ्री थ्री टू फोर फाइव फाइव फोर, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफ एन इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप जी, देन ए पावर एम बराबर ई एन आइडेंटिटी एलिमेंट इफ एंड ओनली इफ, अगर एम को एन डिवाइड करे, यानी कि एन डिवाइड एम, ये हो जाएगा हमारे पास बी का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, एम डिवाइड एन, एम डिवाइड्स बाय एन, ये इज करेक्ट आंसर ए फ्रेंड्स। उसके बाद अपने पास इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी एंड ऑर्डर ऑफ एच एंड जी आर रेस्पेक्टली एम एंड एन, देन जो ऑर्डर ऑफ एच है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स एम डिवाइड्स एन, इस तरह यहाँ पे था हमारे पास वो था एन डिवाइड एन, तो ये एम डिवाइड्स एन, ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये है अपने पास, इफ जी इज अ ग्रुप देन फॉर ऑन फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, हमारे पास ए बी इनवर्स बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, ए बी किसी इनवर्स होता है वो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ये होता है हमारे पास जनरली ग्रुप के लिए। अगर ये आबेलियन ग्रुप होता तो ये कंडीशन भी होल्ड होती, बट यहाँ सीधा दिया होगा कि जी इज ए ग्रुप, तो आबेलियन ग्रुप हमारे पास दिया नहीं हुआ, तो हम ये कंडीशन जो बी है ये उसका करेक्ट आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ ग्रुप जी फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी देयर इज अ यूनिक इनवर्स, ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, इफ ए बी बिलोंग्स टू जी ऑफ अ ग्रुप देन बी इज कंजुगेट टू ए, इफ देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू जी सच दैट बी इक्वल टू सी इनवर्स ए सी, ये इसका क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, बी बराबर सी इनवर्स ए सी। उसके बाद अपने पास इफ जी इज अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए, देन ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि अगर दोनों तरफ इनवर्स ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करें तो ये ए इक्वल टू ई आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, द जनरेटर ऑफ अ ग्रुप जी ए ए स्क्वायर ए क्यू ए फोर ए फाइव ए सिक्स, ए सिक्स बराबर ई है आर, इसके जनरेटर्स जो है वो हमारे पास
ए से एक जनरेटर होगा फ्रेंड्स। अब ए स्क्वायर का जनरेटर नहीं होगा क्योंकि ए स्क्वायर से ए क्यूब को जनरेट नहीं किया जा सकता, तो ए क्यूब भी नहीं होगा, तो ये का आंसर गलत हो जाएगा, ए इसमें है नहीं, तो ये आ जाएगा ए एंड ए फाइव से जो है जनरेटर्स हैं। एफ जी बराबर 0 1 2 3 4 एंड जो अपने पास बाइनरी ऑपरेशन है वो मॉड्यूलो 5 है, समय एडिशन देन ऑर्डर ऑफ 2 इज ऑर्डर ऑफ 2। इसका ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा फ्रेंड्स, अगर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी 5 टाइम करें तो हमारे पास ये 10 आएगा और उस कंडीशन में 0 हो जाएगा, तो ये होगा हमारे पास 5। इफ जी इज अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर फॉर ऑल ए नॉट इक्वल टू ई, इफ ए स्क्वायर बराबर ई देन जी इज देन जी फ्रेंड्स एबेलियन ग्रुप होगा हमारे पास। अब ये आता है अपना क्वेश्चन नंबर 16। इन अ ग्रुप जी वी हैव ए बी बराबर ए एंड बी ए बराबर ए, इफ एंड ओनली इफ, ये होगा हमारे पास फ्रेंड अगर अगर बी बराबर ई हो तो। उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ परमुटेशन, इस परमुटेशन का हमें ऑर्डर निकालना है, जो 1 से 1 है 2 3 3 4 एंड 4 5 यानी 5 इसमें नंबर्स है तो इसका सॉरी 5 4 नंबर्स है तो इसका ऑर्डर जो रहा वो है 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 तो ये आइडेंटिटी है तो इसका 3 ऑर्डर का ये परमुटेशन रहा। अब हम ये ऑप्शन है इसमें हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। द आइडेंटिटी ऑफ अ सब ग्रुप इज सेम एज द दैट द ग्रुप सेम, ये करेक्ट है। द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज सेम एज द इनवर्स ऑफ सम रिगार्डेड एज द एज एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, ये भी सही है। द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट रिगार्डेड एज द नंबर ऑफ ग्रुप, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स करेक्ट सारे ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और ये अपने पास इफ क्वेश्चन अगला, इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी देन एच के इज द सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ, एच के बराबर के एच। फ्रेंड ये क्वेश्चन है आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी टू बी सब ग्रुप इज दैट, ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच देन ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू एच, ये नहीं है हमारे पास। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच ए प्लस बी बिलोंग्स टू एच, अगर जी हमारे पास जो ग्रुप है वो अंडर एडिशन है तो ये कंडीशन हमारे पास सही होगी, और अगर मल्टीप्लाई है तो ए प्लस ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच ए बी बिलोंग्स टू एच, ये भी सही होगा। एंड ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच देन ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच, ये भी सही होगा। अब सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म एम अपॉन टू की पावर एन, एम एंड एन जहाँ पे इंटीजर है वो हमारे पास क्या है, ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन और ये है सेट 1 2 3 4 इज अ फाइनाइट एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 एज कंपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पास गिवन ए एक्स ए बराबर बी इन जी देन एन इज इक्वल टू, ये होगा हमारे पास ए इनवर्स बी ए। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इज अ ग्रुप सच दैट ए की पावर बी बराबर ए एम बी एम फॉर 3 कॉन्जुगेट इंटीजर एम देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, जी इज एबेलियन ग्रुप होगा हमेशा इसके लिए। एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इक्वल टू के एच। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 कैन बी यूज्ड एज अ जनरेटर ऑफ द ग्रुप आर, जो कि हमारे पास होगा 5 6, इसका आंसर है फ्रेंड्स 4। नंबर ऑफ जनरेटर इन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इक्वल टू 5 10, जहां 5 हमारे पास इस तरह से निकलते हैं 10 इंटू जो एन इंटू 1 माइनस पी 1 इंटू 1 माइनस पी 2 इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। अब नोट एवरी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज साइक्लिक, इफ जी इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप देन जी हैज एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स एंड जी इज आइसोमॉर्फिक टू एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स।
एंड अपने पास एवरी फाइनाइट ग्रुप इज ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पोसेस प्रॉपर सब ग्रुप इफ बी एंड सी आर द इनवर्स ऑफ सेम एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी देन बी बराबर सी होगा इफ द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर इंटीजर्स द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो इज इनफाइनाइट In the additive group of integers, the order of every element a not equal to 0 is infinite. If g is a finite group of order n, then a belongs to g and order of a is m. If g is cyclic, then m bar n hoga. If a belongs to g is a generator of a cyclic group of order n less than infinity, n koi finite number hai, then order of cyclic group is n. If e1 and e2 are two identity element of a group G, then e1 equal to e2. Identity element is always idempotent element of a group. Idempotent element क्या होता है friends? अगर ऐसा कोई element जिसको हम दो बार multiply कर रहे हैं, दो बार उसको binary operation उस पर apply कर रहे हैं, तो वही element आ जाए, यानी a square बराबर a. Sorry, a square बराबर e आ जाए. उसके बाद आता है हमारे पास लेट जी बी अ सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स देन जी इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप देन एवरी ए बिलोंग्स टू जी द ऑर्डर इज फाइनाइट क्योंकि एवरी एलिमेंट का ऑर्डर होगा फाइनाइट होगा इन द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1 इन द एडिटिव ग्रुप जी ऑफ इंटीजर द ऑर्डर ऑफ इनवर्स एलिमेंट ए इनवर्स For all a belongs to G is infinite. The permutation 1, 3, 2, 4, 3, 5, 1, 3, 5, 4, 2 is equal to simply 1, 1, 3 pe, to 3 kis pe mein pura 5 or 5 ho raha hai 1 to 1, 3, 5 and ye ho raha hai humare paas 5, 3 or 3, 5 to ye ho gaya aur isko humne phir uske baad transposition ke roop mein likh diya hai simply 1, 3, 1, 5 1, 3, phir 1, 5 and 5, 3 ho hi raha hai All cyclic group are abelian. The order of cyclic group is the same as the order of its generators. Every isomorphic image of a cyclic group is cyclic. Every homomorphic image of a cyclic group is cyclic. A element A to the power P is a finite cyclic group of G of order N. is a generator. A generator of G if and only if G less than P power N and P is a prime to N. इसका मतलब ये फ्रेंड्स अगर कोई एलिमेंट है A उसका जनरेटर है और ग्रुप G का ऑर्डर है N और A की पावर P कोई अदर एलिमेंट है और P अगर प्राइम है और N से छोटा है तो उस कंडीशन में A की पावर P भी उसके एक जनरेटर होगा अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है F बराबर 2 3 एंड G बराबर 4 5 विद टू परम्यूटेशन देन ऑफ फाइव सिंबल देन G F इज फाइंड 4, 5, 2, 3 simply इसको इस तरह से लिख सकते हैं if the number of left coset of h in g are n then the number of right coset of h in g is also n if h1 and h2 are two right coset of a subgroup h then h1 intersection h2 equal to 5 होगा या दोनों सेम होंगे the number of element in a group is called order of group a one-one mapping of a finite group onto itself is called automorphism If P is a prime number and P divides order of G, then A belongs to G such that A power P belongs to G. If A belongs to G is the order of order N and P is a prime, then the order of the order A power P is N. In a group of an element is equal to In a group of order n, element is equal to order of its inverse. यानी किसी group, किसी element का order जो होगा, उसके inverse के element के same होगा. If order of g is p square, then where p is prime, then g is abelian. If g is a group, 4 a belongs to g, and a is a normalizer of a. Therefore, all x belongs to n, x a बराबर n a होगा. If AB belongs to G, a group of order N, then order of AB and order of BA are same. A permutation is even if number of transposition is even.
और यह कह सकते हैं आप परमुटेशन इज इवन इज द लेंथ ऑफ परमुटेशन इज ऑड एंड एन परमुटेशन इज ऑड इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज ऑड, या कह सकते हैं एन परमुटेशन इज ऑड इफ द लेंथ ऑफ परमुटेशन इज इवन। द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एस फोर जो सिमेट्रिक ग्रुप है वो क्या होता है एन फैक्टोरियल बराबर होता है जो कि एन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24। कैलेज थ्योरम क्या होता है फ्रेंड्स, एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप बट द आइडेंटिटी परमुटेशन इज इवन परमुटेशन, द प्रोडक्ट ऑफ इवन इनटू इवन परमुटेशन आर इवन, ऑड परमुटेशन इनटू ऑड परमुटेशन इज इवन, इवन एंड ऑड परमुटेशन के जो प्रोडक्ट होता है वो ऑड होता है, इस तरह ऑड एंड इवन परमुटेशन का भी जो प्रोडक्ट होगा वो ऑड होगा। द इनवर्स ऑफ इवन परमुटेशन इज इवन, इनवर्स ऑफ ऑड परमुटेशन इज ऑड। टू परमुटेशन एफ एंड जी आर सेड टू बी इक्वल इफ एफ ए बराबर जी ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। द ग्रुप पी एन ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री एन इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक ग्रुप। अ साइकिल ऑफ लेंथ टू इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। किसी परमुटेशन में उस साइकिल की जो लेंथ है वो टू है तो उसका कंडीशन उसको ट्रांसपोजिशन कहेंगे। एवरी क्वेश्चन ग्रुप इज अ साइकिल ग्रुप बट कन्वर्स नॉट नीड नॉट बी ट्रू। इफ एन वन एंड एन टू आर नॉर्मल सब ग्रुप देन ऑफ जी देन एन अपॉन जी वन बराबर एन अपॉन जी टू इफ एन वन बराबर एन टू। या एन अपॉन जी वन बराबर फ्रेंड्स क्या होता है, जी अपॉन एन वन का मतलब होता है ग्रुप जी में N1 के कितने नॉर्मल सब ग्रुप हैं इस तरह के। इफ G इज द सेंटर ऑफ ग्रुप G देन G बराबर ए साइक्लिक। इफ Z इज द सेंटर ग्रुप सेंटर ऑफ ग्रुप G देन एंड C1 अपॉन Z इज साइक्लिक देन G हो जो आबेलियन होगा। इफ P इज द प्राइम नंबर एंड G इज अ नॉन आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ then the center of G has exactly P element. If H and K are two normal subgroup of G, then H intersection K and HK are normal subgroup of G. If H and K are two subgroup of G of order 6 and 8 respectively, then order of HK is 16 and ये दिया हुआ है। If order of H intersection K हमारे पास पूछा गया है फ्रेंड्स, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है order of H के बराबर order of H dot order of K divided by order of H intersection K। तो इससे हमारे पास इस फॉर्मूले से order of H intersection K के लिए फॉर्मूला आ गया order of H dot order of K divided by order of H K। So order of H intersection K बराबर 6 into 8 upon 16 equal to 3। If H is a normal subgroup of a G and K is a normal subgroup of H, then K is not a normal subgroup of G. Let Z2 cross Z4, H बराबर Z2 cross Z4 and K बराबर Z2 and cross Z4, then H is not isomorphic to K, since K is cyclic where H is number. If G is a group of order 15, then the number of subgroup, cell subgroup of order of G of order 3 equal to कितने कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, जैसे 15 को हम लिख सकते हैं 5 क्रॉस 3 जैसे नंबर ऑफ 3 साइक्लिक सब ग्रुप इक्वल टू 3k प्लस 1 की फॉर्म में होंगे। अब 3k प्लस 1 की जो फॉर्म में नंबर्स होंगे उसको 15 डिवाइड करना चाहिए। ऐसे नंबर्स कितने होंगे इसमें ओनली एक ही नंबर मिले k बराबर 0 पर, क्योंकि अगर k बराबर 1 रखें तो 4 आएगा तो 15 को डिवाइड नहीं कर रहा, k बराबर 2 रखें तो हमारे पास आएगा 8 जो भी 15 को डिवाइड नहीं कर रहा, k बराबर अगर 3 रखें तो हमारे पास आएगा 10 जो कि 15 को डिवाइड नहीं कर रहा, के बराबर 4 रखे तो 13 आएगा वो भी 15 को डिवाइड नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल सब ग्रुप जो होगी P में वो 1 ही होगी। द कार्डिनेटरी ऑफ अ सेंटर Z12 इज 512 से शो करते हैं कार्डिनेटरी यानी जो सेंटर में कितने नंबर्स हैं तो उसको शो करते हैं। इसमें फ्रेंड्स मुझे कुछ डाउट्स भी है तो आप इसे और क्लियर कर लेना। If G and H two group, the group G cross H and H cross G are isomorphic if and only if G and H are isomorphic. If H is a group of G and then H is normal in G if H is a subgroup of index 2 in G. If H is a normal subgroup of G and H is any subgroup of G then NH is a subgroup of G.
if H is a group and H is subset of G, then H, then G by H is quotient group if H is normal subgroup of G. If G is a finite group and H is a normal subgroup of G, then order of G upon H is the or number of left and right rings. Sorry. Number of left or right quotient बराबर order of G बटे order of H. Every quotient group of an abelian group is abelian. Let Z plus denote the group of integers under addition. Then the number of automorphism of Z plus is 2. If F is a homomorphism of a group G into a group G dash, then kernel K, then K is a normal subgroup of G. Suppose G is a group and N is a normal subgroup of G. Let F G to G by N defined by Fx bar Nx for all x belongs to G. Then F is a homomorphism of G onto G by N with kernel K bar N. Let F be a homomorphic image of a group G into a group G dash. Then Fg be a homomorphic image of G in G dash, then Fg is a subgroup of G dash. A homomorphic form of a single group is either treble or 1-to-1. If A and A square both are generator of a cyclic group of order N, then N must be a odd. The number of elements of a order R in a cyclic symmetric group of order P is NPR upon R equal to 1 upon R dot N upon N minus R factorial. Consider a group G. Let ZG be its center, then Zg को किस तरह से define कर सकते हैं? G for all G belongs to G such that Hg equal to Gh for all H belongs to G for N belongs to N. Then set of positive integer define इस तरह से define किया है Jn बराबर G1 G2 dot dot Gn belongs to G Z1 Z Gz cross Gz से G1 G2 Gn equal to E as a subset of direct product of G cross dot dot cross G in the direct product of group G, then Jn is a normal subgroup. अब फ्रेंड्स हमारे पास विल्सन थ्योरम क्या होती है? वो होती है P minus 1 factorial equal to 1 mod P if P is prime. और फेरमेट्स लिटिल थ्योरम क्या होती है? E power P minus 1 equal to 1 mod P जहाँ P is prime. और ऑयलर थ्योरम क्या होती है? E power phi n बराबर 1 mod P जहाँ A कोई नंबर है हमारे पास. और फेरमेट्स थ्योरम क्या होती है? A power P equal to A mod P जहाँ पे P is prime. Number of elements of order P in Z P square Q where P is prime and P and Q are distinct is P minus 1. If G is a group of even order, then it has at least one element of order 2. A finitely generated subgroup of G is additive. Group Q of rational numbers satisfying the condition G in treble. In an infinite group G, the number of automorphism is 2. Let G is a group of order P square where P is Q where P and Q are prime number such that P is less than Q is less than P, then G have at least one subgroup of order P. For any integer n greater than 2, how many elements in un which satisfy x square equal to 1? Answer is at least 2 element. Since for all x belongs to n has at least one self inverse element, and Sn for Sn a symmetric group mein at least one element ek aisa hota hai jo self inverse hota hai. N ye n yani alternative group for all n greater than 1 has at least 2 self inverse element. Every element of a finite order group is finite order. Two permutations in a symmetric group Sn are conjugate if and only if they have the same cyclic decomposition. In a symmetric group Sn of degree n greater than 2, the set of all three cyclic generators of a subgroup
ऑफ ऑर्डर एन फैक्टोरियल टू बाई टू। लेट एफ बी ए होमोमोर्फिज्म फ्रॉम जेड प्लस टू आर प्लस डॉट इफ एफ टू बराबर 1/3 देन वैल्यू ऑफ एफ सिक्स इज। इसको होमोमोर्फिज्म की फॉर्म से हमने इसको टू को सिक्स को टू प्लस प्लस फोर में चेंज किया, उसके बाद फोर को टू प्लस टू में चेंज किया, तो ये हो जाएगा इसका क्यूब हो जाएगा, तो 1/27 इसका आंसर आ जाएगा। द नंबर ऑफ इंपोर्टेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप इज ऑलवेज ऑड एंड ग्रेटर देन वन इफ जी इज द सेंटर ऑफ जी एंड एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ जी नॉट कंटेन इन जी देन जी इंटरसेक्शन एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी जी इंटरसेक्शन एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच जी सॉरी जेड इंटरसेक्शन एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जेड। द स्मॉलेस्ट ऑर्डर फॉर अ नॉन आबेलियन ग्रुप इज 21। ऑड ऑर्डर का स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट जो ग्रुप है जो कि नॉन आबेलियन होगा वो 21 होगा। फिर इवन पे तो हमारे पास 6 है वो नॉन आबेलियन मिल जाता है। g बराबर x such that x belongs to n and gcd of x n बराबर 1 where 2 is less than n belongs to n and h बराबर y belongs to g y square बराबर e then g cross x n there x mod f h is even। g x n के अंडर मल्टी ग्रुप है जहां पे h जो है वो इवन है। each element of an abelian group is self conjugate। other self conjugate element of a group form a subgroup if h is a group of g and all the subgroup conjugate of h in g are equal to h then h is normal। any subgroup of q is normal cyclic and finitely generated under addition। group of automorphism over non isomorphic group can be isomorphic। automorphic of g is abelian when where g is cyclic whenever g is cyclic। alternative group of 2 power n where n greater than equal to 3 is abelian but not cyclic। if order of g बराबर 2 power p then p where p is prime number then g has a subgroup of order p which is normal। आज के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।